दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी किंग पे। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि मैं वीडियोस जो है आप तक नहीं पहुंचा पाया। बहुत ऐसा टाइम बीता जब मैं फ्रीक्वेंटली आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पाया। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको रेगुलरली आपको वीडियोस प्रोवाइड में कर पाऊं। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी इडियम्स को पढ़ाने की। उसके अंदर मैंने ये प्रक्रिया स्टार्ट की थी कि मैं इडियम्स को एक थीम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, इडियम्स अवेलेबल हैं बुक्स के अंदर, बट वो बहुत रैंडमली अवेलेबल है, आपको एक थीम के अकॉर्डिंग नहीं मिलते। तो इससे पहले वाली वीडियोस भी आप जब जाओगे प्लेलिस्ट में जाओगे इडियम्स पे, तो आप पाएंगे कि मैंने वहां पर एनिमल्स के अलग से उठाए हैं, फ्रूट के अलग से उठाए हैं, कार के अलग से उठाए हैं, बिजनेस के अलग से उठाए हैं। तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर हमने हेट एंड हर्ट इडियम्स को डिस्कस किया था, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ और उसी का आप ये सेकेंड पार्ट लगा ले। और जो टोटल इडियम्स बाई थीम है उसकी मेरे अकॉर्डिंग ये मेरे हिसाब से 27 या 28 वीडियो होनी चाहिए आपकी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इडियम देखो, सबसे पहले कई बार बच्चों की एक समस्या रही है कि सर आप थोड़ा सा हट जाया कीजिए, हमें एक बार स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिए। तो मैं पहले हट जाता हूँ, आप इसमें आराम से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आपने ले लिया होगा, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहला इडियम क्या है, ब्लीडिंग हार्ट। इसका मतलब देखिए क्या है, ए सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, दूसरों की तकलीफ को देख नहीं पाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस इडियम को, ब्लीडिंग हार्ट। अब ये कहां से आया उसको समझने की कोशिश करते हैं। 19th सेंचुरी और जो 20th सेंचुरी के बीच में थी, तो वहां पर लोग दो हिस्सों में बटे हुए थे, दो तरह की थिंकिंग थी वहां पर। एक ऐसे लोग थे जिनका ये मानना था कि जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके प्रति गवर्नमेंट को सक्रिय होना चाहिए, अंग्रेजों की बात कर रहा हूं मैं, और उनको जो है उनके प्रति कुछ सोचना, कह सकते हैं कि वहां पर दो तरह की थिंकिंग थी। एक ऐसे लोगों की थिंकिंग थी जो सोचते थे कि सरकार जो उसको गरीब लोगों के प्रति कुछ करना चाहिए। दूसरी थिंकिंग वो थी जिनका मानना था कि इंसान अपनी सहायता खुद करे, वो अपने दम पर कुछ करके दिखाए, ठीक है। तो वहां पर ऐसा कहा जाता था, देखिए क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो हार्ट से जनरेट होते हैं, तो ज्यादातर आप जो हार्ट के डेम पाएंगे वो इमोशन से भरे होंगे। तो अगर हम कह रहे हैं कि ब्लीडिंग हार्ट, तो यहां पर हम कहना चाहते हैं उन लोगों की थिंकिंग को बताया गया, उन लोगों के लिए इस इडियम का इस्तेमाल किया गया जो गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते थे, जो चाहते थे गवर्नमेंट उनके लिए कुछ काम करे। तो उस टाइम पर जो लोग सोचते थे गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए उन लोगों के लिए, तो उसके लिए इस्तेमाल किया गया, उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया ब्लीडिंग हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईट योर हार्ट आउट। इसकी मीनिंग क्या बनेगी, टू बी वेरी अनहैप्पी। देखो क्या है, जो हमारे सामने इडियम है ईट योर हार्ट आउट, पहले 20th सेंचुरी के अंदर ये माना जाता था कि अगर लोग अनहैप्पी होते हैं, सैड होते हैं, तो उनका जो साइज है हार्ट का वो रिड्यूस हो जाता है, ऐसा वहां पर मानना था उस समय के लोगों का। तो अगर कोई बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी रहता था, तो ये इडियम वहां से बना कि बहुत ज्यादा अगर वो अनहैप्पी है तो खुद के ही हार्ट को, देखो जिस चीज को अगर हम खाएंगे, सपोज किसी की केला है, केले को अगर हम खाएंगे तो उसका साइज रिड्यूस होगा ना, एप्पल को खाएंगे तो उसका साइज रिड्यूस होगा। तो उसी हिसाब से अगर साइज रिड्यूस हो रहा है सैड होने से, अनहैप्पी होने से, तो कहा गया कि भैया अनहैप्पी होकर ये अपने ही हार्ट को जो है खा रहा है, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द हार्ट। तो वहां पर यह इडियम आया, टू बी वेरी अनहैप्पी ईट योर हार्ट आउट। आई होप ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इडियम जो हमारे सामने है वो है, हैव योर हार्ट इन योर माउथ टू बी स्केयर। देखो ऐसा होता है, जब हम डर जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो हमारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से ऐसा लगता है यहां तक हम फील कर पाते हैं गले तक, अगर हम बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं तो।
तो ऐसा लगता है जैसे कि जो हार्ट है उसकी बीट्स जो है वो बिल्कुल यहां पे आ गई है, मुंह पे आ गई है। तो उस कलेजे को है ना, कलेजे को आना, तो उस सेंस में इसका इस्तेमाल किया गया है। हैव योर हार्ट इन योर माउथ टू बी स्क्वायर, डरावना के लिए। नेक्स्ट इडियम देखिए आप, हार्ट इज द राइट प्लेस टू हैव गुड इंटेंशंस। कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो बोलने के बहुत ही ज्यादा कड़वे होते हैं, लेकिन वो जो है सोचते अच्छा है। ठीक है, मान लो कोई टीचर है, वो अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनके, उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली रखता है, उनको बहुत ही डांटता है, फटकारता है, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद क्या है कि बच्चे भटके नहीं, वो अच्छे से स्टडी करें, उसको चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना सोचे उस टीचर को, बट उसको पता है कि अगर मैं इस तरीके से करता हूं या करती हूं तो उससे इनका फ्यूचर बन सकता है, तो वो उस रास्ते को अपनाता है अगर उसको लगता है कि इट इज अ गुड ऑप्शन जिससे बच्चे सीख सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से सोचता है। तो अगर मैं कहता हूं हार्ट इज द राइट प्लेस, दैट मीन्स टू हैव गुड इंटेंशंस। ठीक है, कोई अच्छी इंटेंशंस को जाहिर करता है। नेक्स्ट देखिए, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव टू मेक योर फीलिंग्स नोन, यानी आपके दिल में जो चीजें हैं उसको सबके सामने उजागर करना, सबको पता चल जाए क्या है। माफ कीजिएगा, जैसे एक लड़का है, एक लड़की है, लड़का लड़की से प्यार करता है, और अगर वो ओपनली सबको बोल देता है तो इट इज लाइक टू मेक योर फीलिंग्स नोन। अब ये कहां से आया विलियम्स? विलियम शेक्सपियर के टाइम ऐसा होता था कि अगर लड़की किसी लड़के को पसंद करती थी तो वो क्या करती थी, उसके हाथ पे, बाजू पे एक ऐसे बैंड टाइप बांध देती थी। ठीक है, और लड़का भी ये दिखाने के लिए कि यस आई एम लाइक इंगेज्ड और आई हैव समवन इन माय लाइफ, वो दिखाने के लिए वो क्या करता था, उसको कंधे पे बांध के रखता था ओपनली जहां पर जाता था, तो लोग जब उसको देखते थे तो उसको पता चल जाता था कि ही इज इन्वॉल्व विद समवन एल्स। ठीक है, तो ये एक तरीका होता था ये जाहिर करने का कि भैया मैं जो हूं किसी के साथ इन्वॉल्व हूं, आई एम इन रिलेशनशिप विद समवन, तो वो ये तरीका था। ठीक है, तो वहां से बना वियर योर हार्ट। हार्ट क्योंकि फीलिंग्स को जाहिर करता है, प्यार मोहब्बत इमोशंस को जाहिर करता है, तो वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। ठीक है, इस तरीके से आप दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली रेगुलरली आपको वीडियोस प्रोवाइड करूं। आप भी प्लीज कमेंट करके मेरे को बताएं कि आप रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। आप प्लीज जो भी सुधार करने हो वीडियोस के अंदर, वो सजेशन जो भी आपको देना चाहें, प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताएं। देखिए, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उससे एक इंकरेजमेंट मिलती है टीचर को कि वो और अच्छा कर सके, और अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नजर आए तो प्लीज उसको बताएं ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। देखो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, जो ज्यादातर वीडियोस में मैंने दिया है, 9729966770। इस नंबर पे आप अपना नाम और प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हैं वो लिखकर मुझे भेज दें। मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा, ठीक है, जिसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर रेगुलरली क्विजेस होती हैं आपकी, आपकी जो डाउट्स वगैरह, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वो भी आपके ले लूंगा। तो बस मैं आपसे चाहता हूं कि आप प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों।